ठंड में पैसों का घमंड। बहुत समय पुरानी बात है, राजगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। राजगढ़ गांव में बहुत ज़्यादा गरीब लोग अपनी गरीबी में ही जीवन यापन कर रहे थे। राजगढ़ गांव में भोलानाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी शीला देवी के साथ रहता था। भोलानाथ के एक भी बेटा नहीं था, भोलानाथ के सिर्फ एक बेटी थी रीना, जो स्कूल में पढ़ाई करती थी और घर पर अपनी बूढ़ी माँ के हाथ बटाती थी। भोलानाथ के सिर्फ 3 बीघा खेत था, जिसमें लेबर लगाकर भोलानाथ काम कराता था। फिर जो फसल पैदा होती थी उसे बेचकर अपनी बेटी रीना की पढ़ाई में लगाता था। और भोला और शीला देवी अपने घर पर बहुत कम व्यय करके साधारण खाना खाकर और साधारण कपड़े पहनकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन भोलानाथ की बेटी रीना अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, आप लोग मेरी पढ़ाई जारी रखने के लिए, मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए, पैसों की बहुत आर्थिक तंगी की वजह से आप लोग मुझे तो अच्छा खाना खाने को बोलते हो और खुद तो बहुत सिंपल ही खाना खाकर सो जाते हो। आप लोग मुझे तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को बोलते हो, लेकिन खुद तो आप लोग 3 साल में सिर्फ एक ही बार कपड़े खरीदते हो। माँ पिताजी, आप लोगों का मेरे प्रति इतना प्रेम देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे लिए इतनी परेशानियाँ, इतना रिस्क उठाना, ये मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है इस बुढ़ापे की उम्र में। माँ पापा, मैं अब आप लोगों को आर्थिक तंगी में डूबते और नहीं देख सकती। अब मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी और कोई सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं करूंगी। मैं आप सभी लोगों के साथ घर पर रहूंगी और कोई काम करूंगी, लेकिन अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, हम दोनों खुश हैं। बेटा तुम और पढ़ाई करो, पैसों की चिंता मत करो, मैं खेत को गिरवी रखकर तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। तुम्हारी नौकरी लग गई तो हमारी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाएगी और फिर हम दोनों भी बहुत खुश हो जाएंगे। बेटा बेटा, तुम हमारी खुशी देखना चाहती हो तो मेरी बात मानोगी ना? ओके मॉम डैड, बिल्कुल मानेंगे, आप लोगों की खुशी में भी मेरी भी खुशी है। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर कुछ दिन बाद भोलानाथ आगे के खर्च के हिसाब से अपने खेत में केले की फसल लगा देता है। बस अब कुछ समय की बात है, हमारे खेत में अच्छे केले लगने शुरू हो जाएंगे, फिर हम केलों को बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे, जिससे आगे हमारी बेटी की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी रुपये पैसे की और हमारे खर्च में। फिर कुछ महीनों बाद भोलानाथ के खेत में अच्छे केले की फसल तैयार हो जाती है। हर पेड़ में अच्छे केले लगने शुरू हो जाते हैं। काका, अब बस 20 दिन की बात है, फिर खेत के सारे केले पक जाएंगे, फिर आप इकट्ठा केले बेच लेना, फिर आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तूने सही कहा श्याम, मुझे बस अब थोड़ी ही समय का इंतज़ार है, बस अब फसल तैयार होने का। फिर 10 दिन के बाद भयंकर बारिश होने लगती है। भयंकर बारिश होते देख भोलानाथ बहुत सोच में पड़ जाता है। अरे शीला, देख कितनी तेज बारिश हो रही है, कहीं हमारी फसल कोई नुकसान ना पहुंच जाए, बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि हमारा खेत भी ढलान में है, बाढ़ आने का भी ज़्यादा खतरा रहता है। जी चिंता मत करो, जो होगा अब आगे पता चलेगा, हमारी फसल हानि लाभ पर टूटेगी ही है। फिर अगले दिन जब भोलानाथ अपनी केले की फसल देखने जाता है तो भोलानाथ की सारी फसल आंधी पानी में बर्बाद हो गई थी। पूरी केले की फसल को बर्बाद देख भोलानाथ बहुत दुखी हो जाता है। हे ईश्वर, ये क्या किया, हमारा सिर्फ इसी फसल का सहारा था, ये भी नष्ट कर दी, अब हम अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए
पैसे कहाँ से लाएंगे और अपना घर कैसे चलाएंगे। फिर घर जाकर जब भोलानाथ अपनी पत्नी शीला देवी को पूरी घटना बताता है तो शीला देवी भी बहुत दुखी हो जाती हैं। देखो जी, ये तो हमारे साथ में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन ज़्यादा परेशान होने से भी कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ फसल बर्बाद हुई है, खेत तो है ना, आप खेत पर पैसे लाकर बिटिया की नौकरी पढ़ाई में लगा दो, फिर जब हमारी बेटी नौकरी पा जाएगी तब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तूने सही कहा शीला, मैं किसी सेठ के यहाँ जाऊंगा और खेत पर पैसे ले लूंगा। फिर एक दिन भोलानाथ जगदीश राय सेठ के यहाँ पैसे खेत पर लेने के लिए जाता है। अरे नहीं नहीं काका, ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा खेत तो बाढ़ वाला है, उसमें कोई फसल तो होगी नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा खेत है और पैसा है, मुझे किसी का खेत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा खेत तो बिल्कुल नहीं, ना मैं तुम्हारा खेत लूँगा और ना ही मैं तुम्हें पैसे दूँगा, जाओ कहीं और देख लो। लेकिन मेरी बात तो सुनो जगदीश, पहले देखो काका, अगर मैंने तुम्हारे को पैसे दे दिए तो मुझे बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि तुम पैसे भी नहीं लौटा पाओगे और तुम्हारा खेत भी अच्छा नहीं है। जाओ जाओ काका, यहाँ दिमाग मत खराब करो हमारा, जाओ। तो जगदीश राय से बिना बात सुने ही भोलानाथ को वहाँ से घुमा देता है। फिर भोलानाथ अपनी समस्या को लेकर मोहनलाल सेठ के पास जाता है। देखो काका, मैं आपको 50,000 रुपये अगर दे दिए तो आप मुझे पैसे लौटा तो पाओगे नहीं, तुम्हारा खेत भी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे खेत में कोई भी फसल बो देने के बाद फसल अच्छी पैदा तो होगी नहीं, बारिश हो गई तो बाढ़ में बर्बाद हो जाएगी, और तुम्हारे पास कोई जायदाद भी नहीं है जिसको पैसे के बदले ले सकूं, इसलिए जाओ काका, पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो फिर भोलानाथ वहाँ से भी बिना बहस किए ही दुखी हो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर भोलानाथ बहुत निराश और दुखी होकर एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर दुखी होकर सोचने लगता है। फिर एक युवक पेड़ के पास से गुजर रहा था तो भोलानाथ के पास जाता है और भोलानाथ की समस्या पूछता है। फिर भोलानाथ उस युवक को पूरी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है दादाजी, आजकल के सेठों में पैसा क्या जाता है, घमंड में चूर चूर हो जाते हैं, आप चिंता मत करो दादाजी, पैसे आप मुझसे ले जाओ और अपनी बेटी की पढ़ाई में लगाओ, फिर जब बेटी तुम्हारी जॉब पा जाएगी तो उसी की सैलरी से मुझे वापस पैसे दे देना, या फिर ना मन करे तो ना भी देना, मुझे कोई समस्या नहीं है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, इतनी बात कहने के लिए तुम्हारा लाख लाख शुक्र बेटा। अरे दादाजी, मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा हूँ, सच में मुझसे पैसे ले लो, मन करे तो लौटा देना, ना मन करे तो कोई बात नहीं, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, मेरे पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन मुझे पैसों का बिल्कुल भी घमंड नहीं है दादाजी, मुझे आप जैसे लोगों की मदद करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा दादाजी, आप फ़ोन तो चलाते नहीं हो, नहीं तो मैं फ़ोन से ही पैसे ट्रांसफ़र कर देता। अच्छा ठीक है दादाजी, मैं शाम को आपके घर ही आऊँगा और आपको चेक दे दूँगा। फिर वह रवि नाम का युवक शाम को भोलानाथ के घर जाता है। बेटा आपने हमारी इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो आप हम जैसे गरीबों की मदद करते रहते हो? अरे मैडम, मैं कोई अमीर आदमी नहीं था, मैं भी आपकी तरह ही गरीब था।
जब से मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया तब से मैं अमीर बन गया हूँ। ऑनलाइन बिजनेस ये क्या होता है और अभी आप इससे इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा लेते हो? अरे मैडम, ऑनलाइन बिजनेस मतलब अफिलेट मार्केटिंग, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अदर साइट्स, इनके प्रोडक्ट्स मैं अपने थ्रू सेल कराता हूँ, जिससे जितने लोग हमारे थ्रू इन कंपनीज का प्रोडक्ट बाई करते हैं उसका कुछ परसेंट बोनस हमें मिलता है, उससे हम खूब सारा पैसे कमाते हैं और इसका अकाउंट एक्स्ट्रा पे ऐप से बनता है। तो रवि, ये एक्स्ट्रा पे ऐप कहाँ मिलेगा हमें, कहाँ से हमें डाउनलोड करना होगा? अरे इस ऐप को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो और अभी आज से ही ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दो। दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो ना, आप लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, फिर वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके फिर आप लोग भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दो। वाह रवि, तो मैं भी फ़ोन खरीदूँगी और ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूँगी। फिर कुछ महीनों बाद रीना का एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, जिससे रीना के घर की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा संभल जाती है। और फिर रीना के माता पिता भोलानाथ और शीला देवी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।